अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अक्टूबर है, ब्रीडिंग के हवाले से बड़ा अच्छा मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो मैं इंशाल्लाह आज मैंने इरादा है कि मेरे जो ब्रीडर पेयर्स हैं मैं उनको बॉक्सेस लगा दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो पिछले मेरे बॉक्सेस थे वो मैंने चेंज करके इस दफ़ा नया डिज़ाइन बनाया बॉक्सेस का। तो बॉक्सेस का जो डिज़ाइन है वो मैं आपसे पहले थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ। इसका जो डायमेंशन है वो इसको ये हैंग करने के लिए मैंने लगाया, बाहर हैंग करने के लिए ये हराई इसकी 10 इंच है, बैक इसकी 11 इंच है और जो चौड़ाई इसकी है वो 9 इंच है। तो जो बाकी अमूमन लोग बॉक्सेस बनवाते हैं वो जो हैंग करते हैं वो टावर होते हैं, तो मैंने इस दफ़ा टावर नहीं, ये रेडियो शेप का बॉक्स है और ये बॉक्स पीछे को होगा। इसका दरवाज़ा जो सा ये मैंने ऊपर रखवाया है, इसकी एक ख़ास वजह है। एक तो ये वजह है इसकी कि बर्ड्स को चेक करना आसान है, नेस्टिंग वगैरह मतलब डिस्टर्ब किए बगैर आप बर्ड को चेक कर सकते हैं, अंडे वगैरह उनके चेक कर सकते हैं, बच्चे चेक कर सकते हैं। और दूसरा इसकी इसका ये फ़ायदा है, तो दरवाज़ा आप साइड पे लगा देते हैं वो फिर बंद करना और खोलना मुश्किल हो जाता है नेस्टिंग की वजह से। तो इसलिए इसको मैंने इस साल ये नया डिज़ाइन मैंने बनाया है। कई लोग इसको ऑलरेडी इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो लेकिन मैंने इसको अपने तौर पर इसमें कुछ चेंजिंग भी करवाई हैं। तो बाकी इसमें जो अगर कोई खामी होगी वो फिर सीज़न में सामने आएगी, तो वो भी आपसे डिस्कस कर ली जाएगी। तो बाकी इसको इस बॉक्स को कैसे तैयार करना है, इसको रखना कैसे है, नेस्टिंग इसकी कैसे डालनी है, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो सबसे पहले तो आपने ये कूपेक्स पाउडर डालना है, ये मोर्टीन का सबसे बेस्ट कूपेक्स पाउडर है। तो इसका फ़ायदा ये है कि एक तो ये है कि माइट्स नहीं जाएंगे। वैसे मैंने बॉक्स सारे नए बनवाए हैं, इनको मैंने डिसइंफेक्ट भी कर लिया है, नेस्टिंग को भी डिसइंफेक्ट कर लिया है, धूप भी लगवा ली हुई है। तो लेकिन मैं फिर भी ये कूपेक्स का लाजमी इस्तेमाल करूँगा, मतलब थोड़ा सा इसके वो मैं स्प्रिंकल कर दूँगा कूपेक्स पाउडर। और कूपेक्स पाउडर डालने के बाद फिर मैंने ये डालने हैं नीम के पत्ते। नीम के पत्ते कुछ 4 पॉइंट इस तरह के, मतलब वो थोड़े से डाल देने हैं, ज़्यादा नहीं डालने हैं। और फिर ये नेस्टिंग का मैंने बेड बना देना है। नेस्टिंग का बेड मैंने जो बनाना है वो मैंने रफ़ सा बना देना है, ज़रूरी नहीं है कि जी इनका बहुत खूबसूरत सा बेड बनाना है, वो रफ़ सा बनाना है। वो बनाने का मकसद ये है कि जहाँ पर बर्ड ने 3-4 दिन इसको मटीरियल को अंदर लेके जाने में लगाने, उनका वो टाइम बच जाएगा। तो ये थोड़े से इधर इसके अंदर रख देंगे बॉक्स के अंदर, थोड़ा सा बेड बना के बाकी कुछ केजेस के अंदर भी रख देंगे, ताकि बर्ड खुद भी उसको एक्टिविटी मिल जाए और वो उसको उठा उठा के, मतलब वो अपने बॉक्स में भी लेके जाता रहे और आपस में भी मेल फीमेल जो सा ना इसके साथ वो इसको काटते हैं, इसको कुतरते हैं। तो इसलिए इसको हमने केजेस के अंदर भी रखना है लाजमी। आइए आपको मैं आपको दिखाता हूँ कि बॉक्स कैसे तैयार करना है। कीड़ी मार पाउडर का और इसके नीम के पत्तों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके बॉक्स के अंदर कीड़ियाँ नहीं आती। अमूमन ये देखा है कि अगर कोई बच्चा एक्सपायर हो जाता है, चिक्स एक्सपायर हो जाता है, तो उसको कीड़ियाँ खाने आती हैं। जब कीड़ियाँ खाने आती हैं तो फिर पेयर बॉक्स के अंदर जाना छोड़ देता है। तो जब बॉक्स के अंदर नहीं जाता तो फिर जाहिर बात है वो फिर जो चिक्स होते हैं वो भी फिर उनको फीड ना होने की वजह से वो भी मर जाते हैं। तो इसलिए आपने ये कीड़ी मार पाउडर भी और नीम के पत्ते ये आपने लाजमी इस्तेमाल करने हैं, इसका आपको फ़ायदा होगा। तो अब मैं वाले साहब को मैं बुला के लाऊंगा नीचे से कि वो आके ना बॉक्स हैंग करें, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। थैंक यू। चलो मुझे चुको अम्मा, हाथ ला मैं तुम्हें। चलो चल बस ठीक है, बस हो गया, लग गया। बॉक्सेज इंस्टॉल कर दी हैं, बर्ड की चिरपिंग से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बर्ड कितना एक्साइटेड है। यही वजह है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा ब्रीड भरपूर आएगी, क्योंकि टाइम का प्रॉपर वेट किया गया है, सीज़न का वेट किया गया है, इनकी एज पूरी की गई है, अब बर्ड अपनी पूरी पूरी एक्टिविटी शो कर रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बर्ड इस दफ़ा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। कोशिश मैंने यही की है कि जो मेरे ब्रीडर पेयर्स हैं मैंने उन्हीं को बॉक्सेस दिए हैं, या कुछ पेयर्स ऐसे भी रहे हैं जिनको मैंने इस साल पेयर अप किया है और उन्होंने अपनी एज पूरी कर ली थी, सिर्फ उन्हीं को बॉक्सेस दिए हैं।
अब मेरे करने का काम ये है कि मैंने अब सिर्फ अल्लाह पे तवक्कल करना है और सब्र करना है। इनकी जो एक्टिविटी है मैंने उसमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करनी, मैंने इनको प्रॉपर टाइम देना है। मैंने एक हफ़्ते के बाद अब इनको दोबारा बॉक्सेस को चेक करना स्टार्ट करना है। एक हफ़्ते से पहले मैं बॉक्सेस खोल के नहीं देखूँगा। अभी सुबह से लगाने शुरू किए हैं, शाम तक इनको जिन जिन को बॉक्सेस मिल गए हैं, आप ये जो चर्पिंग देख रहे हैं बर्ड की, उनकी जो एक्टिविटी है वो आपको भी नज़र आ रही होगी। बर्ड माशाल्लाह सुपर एक्साइटेड है। तो मेरी दुआ है आप सबके लिए, अल्लाह ताला सबको इस ब्रीडिंग सीज़न में बहुत बरकतें दे और जो खामियां हैं अल्लाह पाक उनको अपने फजल से दूर करें, और हमारा जो इस शौक़ है, जो ये हॉबी है, अल्लाह पाक इसमें आफियत के साथ, सलामती के साथ बरकतें दें। थैंक यू सो मच।